फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं साइबर सिटी। और ये व्यू है कुछ बाहर से। चलिए सिक्योरिटी चेक करवा के अंदर चलते हैं। ये है एंट्री वे और यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है। एक बात तो है, यहाँ आकर कुछ अलग ही फीलिंग आती है, जैसे हम कहीं फॉरेन में घूम रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिसेज भी हैं और रेस्टोरेंट कैफे हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अभी तो यहाँ क्रिसमस की डेकोरेशन हो रखी है, जो आई थिंक पूरी जनवरी चलने वाली है। और काफ़ी सारे कियोस्क भी लगे हुए हैं, जो कि टाइम पे और फेस्टिवल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, जहाँ से आप छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हो। और आज सैटरडे है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है आज। ये जगह शाम को जब लिट अप होती है तो बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पे एक ओपन थिएटर भी है जहाँ पर हर समय मूवी चलती रहती है। अगर आप घूमते घामते थक जाओ तो यहाँ पर कंफर्टेबल चेयर्स हैं जहाँ पर आराम करते हुए आप मूवी को एंजॉय कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और इस साइड है सारे कैफेज एंड रेस्टोरेंट। अभी डिनर का टाइम हो रहा है और भूख भी लगने लगी है, तो चलिए पहले डिनर ही कर लेते हैं। हर कोना फोटोजेनिक है, जहाँ भी खड़े हो जाओ लगता है चलो यही वीडियो बना ले। बहुत लोग दिख जाएंगे आपको वीडियो बनाते हुए। हम पहुँचे हैं पंजाब ग्रिल में डिनर करने के लिए। यहाँ की एम्बियंस बहुत अच्छी है और खाना तो लाजवाब है ही। स्टार्टर में स्पिनच चाट मंगाई और बहुत अच्छा लगा, हमने फिर से मंगाया। सॉफ्ट म्यूजिक और खाना, लाजवाब कॉम्बिनेशन है ना। यहाँ पर आउटडोर डाइनिंग भी काफी फेमस है। डिनर के बाद फिर हमने की थोड़ी सी शॉपिंग। बच्चे भी काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ पे काफी जगह पे फ्लोर लाइट लगी हुई है, बहुत सुंदर लगती है रात में। बच्चों के लिए टॉय ट्रेन चलती है जिसमें बच्चे बैठ कर पूरा फुल एंजॉय करते हैं, और इसमें शायद टिकट लगती है, बड़े भी साथ में बैठ जाते हैं। अगर ये ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।